बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब्स के हवाले से जो भी कोई नई मालूमात आती हैं, वो मालूमात मैं डेली आप लोगों के साथ अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ, और साथ ही आप लोगों को मुकम्मल डिटेल भी देता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जॉब के हवाले से एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, और मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताऊँगा कि गवर्नमेंट के स्कूल्स में जो 1500 से ज़्यादा नौकरियों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, मैं उसकी मुकम्मल डिटेल आप लोगों से शेयर करूंगा और आप लोगों को अपनी इस वीडियो में उसका नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा। तो अगर आप लोग ये मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो का बाकायदा खास करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियोज़ आप डेली देखना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल जॉब रोज़ाना को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि डेली आने वाली जॉब से मुतालिक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाएँ और आप जॉब के लिए बआसानी अप्लाई कर सकें। तो अब चलते हैं जॉब से मुतालिक तफसीली मालूमात लेने के लिए और जानते हैं कि आप लोगों ने गवर्नमेंट के स्कूल्स में नौकरियों के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी पर अप्लाई करने के लिए आप लोग अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसका नाम टाइप करेंगे जॉब रोज़ाना। जैसा कि मैं गूगल को यूज़ करता हूँ, मैं गूगल में आया, गूगल में आके मैंने जॉब रोज़ाना लिखा और उसको सर्च किया, तो गूगल में सबसे ऊपर जॉब रोज़ाना लिखा हुआ आ रहा है। तो आप लोगों ने जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और इस वेबसाइट में आप लोग सबसे टॉप पर देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब 1527 से ज़्यादा जॉब्स हैं जो कि पूरे पंजाब के लिए अनाउंस हुई हैं, और हर शहर के अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कि है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूं। तो आप लोगों ने जॉब के फर्स्ट टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। अगर ऐसे क्लिक करने से ये ओपन ना हो तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसको क्लिक करके रखिएगा, और आप इसको ओपन इन न्यू क्रोम टैब भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन इन न्यू क्रोम टैब करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू विंडो में एक और पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, और इस पेज में आप लोग देख सकेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स की जॉब्स हैं जो कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ चुकी हैं, और यहाँ पर मज़ीद और भी लिंक मैं अभी ऐड कर देता हूँ मज़ीद नौकरियों के, तो वो भी आप लोग एक्सेस कर सकेंगे। एक ही पेज के ऊपर रहते हुए आप काफ़ी सारी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर ले सकेंगे। तो मैं इस तरह की वीडियोस डेली लेकर आता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अनाउंसमेंट डेट जो है वो 3/10/2020 को की गई थी, मतलब कल के दिन में, आज ही के दिन में मतलब जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई है। अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो फिलहाल मेंशन नहीं की गई है, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, 18 से लेकर 35 साल तक के लोग जो हैं वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ जॉब जो है वो 1527 से ज़्यादा हैं। आज या कल में इसका जो है वो फॉर्म भी आ जाएगा, तो आप लोगों ने फॉर्म को डाउनलोड करना है, फॉर्म के ऊपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी है आपने, और उसके बाद आप लोगों ने फॉर्म के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, और उसके बाद आप लोगों ने जो एड्रेस दिया हुआ होगा उस एड्रेस के ऊपर आप लोगों ने तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपना भेज देना है। तो आप लोगों ने नंबर अपना वही लिखना है जो नंबर आपका किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आपका नंबर किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर कन्वर्ट होगा तो आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कोई कॉल या कोई भी मैसेज वगैरह जो है वो रिसीव नहीं होगा। तो फिर आप लोग यही सोचेंगे कि हमें इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई, तो इससे पता ये लग जाएगा कि इदारे की जानिब से जब भी कोई एक ऑफिशियली कॉल होती है वो कन्वर्ट नंबर के ऊपर मैसेज जो है वो कभी भी डिलीवर नहीं होता। उसके बाद आप लोग ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन के दो पेज हैं मैंने यहाँ पर अटैच किए हैं, ताकि आप लोग ये ना समझें कि जॉब जो है वो बिल्कुल फेक हैं, बिल्कुल रियल जॉब हैं। बस आप लोगों को एक या दो दिन इंतज़ार करना है और उसके बाद जो है इसका मुकम्मल इश्तहार जो है वो आप लोगों के सामने भी आ जाएगा, और एप्लीकेशन डाउनलोड का भी मैं यहाँ पर ऑप्शन डाल दूँगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन को जो है वो डाउनलोड भी कर सकेंगे। ये मुकम्मल डिटेल मैंने आपसे दी है, अगर आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ, अटक की कितनी सीटें हैं, भावन नगर की कितनी है, भावलपुर की कितनी है, ओकाड़ा की कितनी है, हर शहर की आगे सीट्स जो है वो मेंशन की गई हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 1527 से ज़्यादा हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से इसलिए डिटेल से शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। और कुछ लोग इस तरह के जो हैं वो बैड कमेंट जो है वो पास करते हैं, जिनका मैं जवाब देना भी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझता, बस मैं उनके कमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ। लेकिन वो ये लोग कुछ लोग ये समझते हैं कि जी हम इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं तो वो हम लोगों को डीग्रेड करेंगे या हमारे सब्सक्राइबर पर असर पड़ेगा, ऐसा ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं होती। आप लोग जिस तरह के कमेंट्स करते हैं उससे आप लोगों की अपनी ही वैल्यू जो है वो डाउन हो जाती है। मैं ये पैगाम तमाम उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो लोग जो है हमेशा से ही मेरी वीडियोस के ऊपर इस तरह के बैड कमेंट्स करते हैं। अगर वो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मैं उनको ये अपनी बात पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग इस तरह के कमेंट्स करेंगे, आपके कमेंट करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मुझसे जाएंगे। जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो लोग
मेरे चैनल के साथ लगाव रखते हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, वो हमेशा मेरी वीडियोस को देखेंगे, और आपके इस तरह के कमेंट्स करने से ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही मेरे सब्सक्राइबर को इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ेगा। तो चलें जी, खैर आप लोग कीजिए जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन को लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद एक और अच्छी सी जॉब के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।